हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज का लेक्चर में हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग के, जो आज का लेक्चर आपको मिलने वाला है बिल्डिंग ड्राइंग के, आपकी बिल्डिंग ड्राइंग है थर्ड सेमेस्टर में, आपको टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आज इसमें, ठीक है। इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हम टोटल आपको जो आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन देंगे और आपको टोटल 20 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। जो आपका पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स आपके आते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में 50 मार्क्स का आपका पूरा टोटल पेपर होगा बिल्डिंग ड्राइंग का आपका कितने का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं विद मिनी ड्राफ्ट, यानी कि ड्राइंग बना बना कर अगर आप इनकी देखते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपके जो 50 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा, आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। टोटल आप 50 कंप्लीट पेपर सोल्व कर पाओगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो हम क्वेश्चन आपके कैसे सेट किए, आपके किस इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, टोटल ये हमने क्वेश्चन सेट किए हैं, और जिसमें अनिवार्य क्वेश्चन होता है आपका बिल्डिंग प्लान का, ये बिल्डिंग प्लान का हमने क्वेश्चन लिया है। सब क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको मिनी ड्राफ्ट की हेल्प से बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आपको आ सकते हैं, आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। ये जो प्लान आपको दिख रहा है, इस प्लान की आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आज ही आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। किस समय होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेक्चर में बने रहिएगा प्रॉपर रूप से, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपके जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए है, टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन लिए, अब इनको देख लेते हैं, ठीक है। किसके? बिल्डिंग ड्राइंग आपके किस कौन से सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर में। जिन बच्चों की अगर बैक है, स्पेशल बैक भी है, तो वो भी निकल जाएगी अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखो और इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। देखो ये क्वेश्चन आपका 2022 में जो प्रीवियस ईयर पेपर आया उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस बार आपको पूछा जा सकता है जरूर, और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन आना जरूरी है, बट किस तरीके से आ सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन हमने क्या लिया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द डिटेल ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन फॉर एन इंटरनल वॉल। कैसी? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इंटरनल वॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक। तो आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन तो पूछी जा रही है, कैसी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का तो क्वेश्चन आ रहा है, बस उन्होंने क्या बोल दिया आपको इंटरनल वॉल के लिए, जिसकी थिकनेस आपकी 20 सेंटीमीटर है, इंटरनल वॉल के लिए आपको एक स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाकर दिखानी है। बस यही इस क्वेश्चन में पूरे में ट्विस्ट है कि आपको इंटरनल फाउंडेशन पर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाकर दिखानी है, और आने की संभावना पूरी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ये ध्यान देना, 10 नंबर का क्वेश्चन है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। कैसे इंटरनल फाउंडेशन की ड्राइंग बनाई जाएगी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाई जाएगी वो हम आपको सिखाएंगे। हिंदी में कैसा क्वेश्चन आएगा देख लेते हैं। स्प्रेड फुटिंग नींव का विवरण बताइए, चित्र द्वारा 20 सेंटीमीटर आंतरिक दीवार को दर्शाइए, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, क्वेश्चन कैसे भी देंगे, बस आपको ये देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो किस तरीके से बनेगा ये आपकी इंटरनल वॉल के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो हम आपको पर डे जो आपको लेक्चर मिलेंगे ना, जो भी आपको इनकी ड्रॉइंग हम जो सिखाएंगे वो 7 PM पर सिखाएंगे, पर डे आपको 7 PM पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, 7 PM पर आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी डेली। जैसे आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लान, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लान बेटा, और अनिवार्य होता है प्लान सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले इस टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा आज, जो इसका क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लान का क्वेश्चन, कि प्लान की ड्रॉइंग कैसे बनाए, क्योंकि 30 नंबर का अकेला क्वेश्चन होता है ये, प्लान का 30 नंबर का अकेला क्वेश्चन होता है, और आपका जो पासिंग मार्क्स होता है 17 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन आएगी 100% आएगी, ये देख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार क्या है कॉर्नर जंक्शन आया था, पिछली बार जो आया था प्रीवियस ईयर में एल जंक्शन आया था, ठीक है, और उससे पहले टी जंक्शन आया था, और वो 2 ब्रिक वॉल के लिए आया था। तो इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ड्रॉ प्लान ऑफ टी जंक्शन बनाना ऑफ 1/2 ब्रिक थिक वॉल के लिए, कितनी वॉल के लिए, 1/2 थिक वॉल के लिए आपको क्या बनाना है, प्लान बनाना है टी जंक्शन का, किसका, टी जंक्शन का इन ए इंग्लिश बॉन्ड, चाल कैसी होनी चाहिए, अंग्रेजी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और दोबारा से, 1/2 मोटी दीवार, मोटी ईंट अंग्रेजी चाल में टी जंक्शन का उचित स्केल पर
उचित स्केल पर प्लान बनाइए, उचित स्केल पर प्लान बनाइए, और आपकी जो दीवार की मोटाई है कितनी है, एक सही 1/2, 1.5, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी चाल के लिए क्या बनाना है आपको, टी जंक्शन बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो ये भी आपका 10 मार्क्स आपको देकर ही जाएगा बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है, उतनी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 1 फरवरी को, आपके पास काफ़ी समय है, आप आराम से इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को जरूर देख लेना मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं। देखो ये क्वेश्चन कई साल से नहीं आ रहा आपका, ठीक है, फ्लोर का क्वेश्चन, फ्लोर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका फ्लोर का क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा फ्लोर है वो भी देखते हैं। ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टेराजो फ्लोर, एक ग्राउंड, ठीक है, टेराजो फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर आपको टेराजो फ्लोर की ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी वो सिखाएंगे सारी। देखो मैंने आपको बताया सारी वीडियोज आपको 7 PM पर डे प्रोवाइड होगी डेली, ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा, टेराजो फर्श का अनुप्रस्थ काट की ड्राइंग बनाइए, टेराजो फर्श की अनुप्रस्थ काट की ड्राइंग आपको बनाकर दिखानी है, ठीक है। और क्वेश्चन 10 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, डोर का भी क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ड्रॉ सेक्शनल प्लान एंड एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ फुल्ली ग्लास डोर, यानी कि पूरा कांच का दरवाजा आपको बनाकर दिखाना है, पूरा कांच का दरवाजे का क्या बनाना है आपको, प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है। साइज क्या दिया गया है, 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर टू सूटेबल स्केल, स्केल आपको अपने अनुसार माननी है, यानी कि उचित पैमाना पैमाना मानते हुए पूर्ण कांचदार दरवाजे का सेक्शनल प्लान व एलिवेशन खींचिए। दरवाजे का साइज आपका, दरवाजे का साइज ये दे रखा है यहाँ पर 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोर का क्वेश्चन आना ही आना है, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसकी हम आज आपको ड्रॉइंग बताएंगे, ठीक है, जिसकी आज हम आपको ड्रॉइंग बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन जो आता है ना प्लान का, देखो यहाँ पर मैंने प्लान दिखाया है, ये प्लान का क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है, अकेला ही क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अकेला ही, ये अगर आप छोड़ के आते हो तो ये समझ लो कि आपकी बैक आने की चांसेस पूरे बन जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। प्लान किसका, बिल्डिंग प्लान का, बिल्डिंग प्लान का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बिल्डिंग प्लान में आपको 3 चीज़ें पूछी जाती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते पहले, क्वेश्चन क्या आता है, द लाइन प्लान, आपको एक लाइन प्लान दिया रहता है, द लाइन प्लान ऑफ बिल्डिंग ड्रॉइंग इज गिवन इन फिगर, एक फिगर देखो मैंने नीचे दिखाया, फिगर दिया गया है, ड्रॉ टू सूटेबल स्केल द फ्लोविंग व्यूज, ठीक है। चित्र में भवन का प्लान दिया गया है, निम्न दृश्यों को उचित पैमाने पर खींचिए। देखो आपको ये 30 मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, आपको प्लान बनाना होता है, इसमें प्लान 10 मार्क्स आपको प्लान के मिलते हैं, समझना बेटा, ठीक है। और आपको एलिवेशन बनाना होता है इसका, एलिवेशन 10 मार्क्स आपको एलिवेशन के मिलते हैं, ठीक है। और आपको सेक्शन बनाना होता है, ठीक है, आपको सेक्शन बनाना होता है, और 10 मार्क्स आपको, 10 मार्क्स आपको किसके इसके मिलते हैं, तो टोटल मिलाकर जो आपको मिलते हैं इसमें 30 मार्क्स मिलते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं टोटल मिलाकर। अब नीचे चलते कि और क्या क्या दिया जाता है आपको इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं आपको क्या क्या, नंबर एक चीज दी, नंबर एक दिया गया आपको डिटेल प्लान शोइंग पोजीशन ऑफ डोर विंडो एंड एलिवेशन, आपको प्लान में शो करके दिखानी है पोजीशन डोर की, विंडो की, और वेंटिलेशन की, इनकी आपको क्या दिखानी है, पोजीशन शो करके दिखानी है, यानी कि विस्तृत प्लान में दरवाजे खिड़कियां एवं रोशनदान की स्थितियों को दर्शाते हुए, ठीक है। आपको दरवाजे कहाँ लगाने, खिड़की कहाँ लगानी, रोशनदान कहाँ लगाने, इनकी भी स्थिति दर्शानी है। बी देख लेते हैं, फ्लोविंग डाटा गिवन बिलो, नीचे कुछ डाटा दिया गया है जो आपको यहाँ पर गिवन है पहले से ही, ठीक है, नहीं गिवन होता तो हम मानते हैं, अगर आपको नहीं गिवन होता है तो हम मानते हैं। अब क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं, आपको यहाँ दिया गया है ऑल वॉल आर 30 सेंटीमीटर थिक, सभी दीवार 30 सेंटीमीटर मोटी है, सभी दीवार कितनी है 30 सेंटीमीटर, जितनी भी आप दीवार इसमें बनाओगे सबकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है, वेरी गुड,
उसके बाद दिया गया है हाइट ऑफ रूम, रूम की हाइट आपकी 3 मीटर की है, रूम की हाइट आपकी कितनी है 3 मीटर की है, तो रूम की हाइट यानी कमरे की ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। प्रोवाइडेड 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लेब, यानी कि आरसीसी छत की मोटाई, जो छत आप डालोगे 15 सेंटीमीटर की आरसीसी छत है आपकी, और आपको क्या देगा है हाइट ऑफ पैरापिट 60 सेंटीमीटर पैरापिट, जो आप छत के ऊपर मुंडे डालते हो वो 60 सेंटीमीटर की पैरापिट दी गई है। अब प्लान देख लेते हैं कि आपको प्लान कैसा दिया गया है, ठीक है प्लान देख लेते हैं, प्लान आपको कैसा दिया है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर आए ना तो समझ लो कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको प्लान दिया गया है, इस लाइन प्लान में आपको किचन दिया गया है, वरांदा दिया गया है और टॉयलेट दी गई है, ये बैक साइड में दे रखी है, ठीक है आपकी बैक साइड में दे रखी है टॉयलेट भी और किचन भी आपकी, और थोड़ा सा बरामदा छोड़ रखा है। एक आपका ड्राइंग रूम है, एक आपका बेडरूम है, और एक आपका बेडरूम यहाँ पर है और एक बरामदा यहाँ पर है। तो आपको ये टोटल लाइन प्लान दिया गया है, और इस लाइन प्लान का आपको क्या दिया गया है, लाइन प्लान, ये आपका लाइन प्लान दिया गया है, और इस लाइन प्लान से आपको बनाना क्या है, एक तो प्लान बनाना है, ठीक है, एक आपको इसका सेक्शन बनाना है, ठीक है सेक्शन, और एक इसका बनाना है आपको फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। तो ये 3 चीज़ें आपको ड्रॉ करनी होती है, और प्लान आपका 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका सेक्शन, और 10 मार्क्स का आपका एलिवेशन। अगर आप ये तीनों चीज़ें बनाकर आते हो तो आपके 30 मार्क्स कन्फर्म रहते हैं पूरे, विद डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ें दिखानी है। यहाँ पर इन्होंने बोल भी दिया ऑल डायमेंशन आर इन मीटर, तो यानी कि जो ये मीटर में साइज दिया गया है, किचन का जो साइज दिया गया है 3.2 × 2.6 मीटर में है, ठीक है। बरामदे का साइज हम आप अलग से निकाले थे, कैसे निकालते हो बताएंगे। टॉयलेट आपकी 2 × 2.60 मीटर की है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है इस लाइन प्लान में। तो इसकी आज आपको वीडियो प्रोवाइड होगी, जो इसका आपको लेक्चर मिलेगा वो 7 बजे मिलेगा शाम को, 7 PM पर वीडियो अपलोड हो जाएगी आज ही, ठीक है। जितनी ज़्यादा हो सकती है लेक्चर्स को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको टोटल 20 क्वेश्चंस की आपको थ्योर, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में इनका सोल्यूशन, जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से ड्राइंग बनानी है, किस प्रकार से मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से आपको यूज करना होता है मिनी ड्राफ्टर का, और किस प्रकार से ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे 7 PM पर, किसके साथ, जो ये प्लान आपको दिख रहा है इस प्लान की लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे प्लान कैसे बनेगा, सेक्शन कैसे बनेगा, और इसका एलिवेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ, ओके थैंक यू।